रहीम रबी शराहली सदरी व यसरली अमरी वाहलुल उक़दा तम्मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? होप यू पीपल आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आई एम ऑल्सो वेरी फाइन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कोर्स बुक न्यू यूनिट टुडे एंड इट्स थर्सडे 19th ऑफ नवंबर। सो प्लीज़ टेक आउट योर कोर्स बुक्स। इट्स पाउंड ऑफ बटर, यूनिट नंबर 8, मेंशन डे डेट एट द टॉप एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट राइट नाउ। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द स्टार्टर एंड देन वी विल ड्रिल द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। सो हेयर वी नंबर 85 एंड देर आर 6 थिंग्स ओवर देयर इन ब्लॉक्स। इन फर्स्ट द फर्स्ट ब्लॉक एक चीज़ है, इसको यूजली ग्रीन ग्रोजर्स यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं बैलेंस। और इसके अंदर वो तराजू जिसको उर्दू में बोलते हैं, इसमें वो एक तरफ वो अपने स्केल्स रखते हैं जो जिसको वो कहते हैं 1 kg, 1/2 kg और 2 kg और 3 kg, और दूसरी तरफ वो आपके लिए आपकी जो आपको सब्ज़ी चाहिए होती है वो रखते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस। ओके, इन द सेकेंड पिक्चर यू पीपल कैन सी व्हाट इज़ दिस। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द वर्ल्ड बैंक, कैन, पैकेट, स्केल्स, बैलेंस, लोफ एंड वेट्स। अब फर्स्ट थिंग तो हमारे पास आ गई बैलेंस, हमने उसको कट कर दिया। अब हमने चेक करना है कि ये क्या होगा। दिस इज़ अ पैकेट ऑफ बटर, पैकेट ऑफ चॉकलेट एंड पैकेट ऑफ आइसक्रीम बार। ओके, द थर्ड पिक्चर इज़ वेट्स। ये भी उसी काम के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये बड़ी चीज़ों का वेट जो है वो देखने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारी विंग मशीन है, और इसी तरह से जो ग्रीन ग्रोज़र और जिससे हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो वो भी केजीज़ में वेट इसके ऊपर ही देखते हैं। इन द फोर्थ पिक्चर देर आर स्केल्स। स्केल्स कहते हैं उर्दू में बाट, या जो चीज़ें मेयरमेंट्स होती हैं जिसके जो एक्यूरेट मेयरमेंट होती है, जैसे है 1 kg, 1/2 kg, 2 kg एंड थर्ड फिफ्थ वन इज़ लोफ। ब्रेड के एक बहुत बड़े टुकड़े को कहते हैं लोफ, और इसका प्लूरल होता है लोव्स। और द लास्ट वन इज़ कैन। यू पीपल हैव सीन दिस कैन इन एट मोटरसाइकिल ऑफ योर मिल्कमैन, जो आपके घर में दूध देने वाला आता है उसने हैंग किए हुए होते हैं और इसके अंदर दूध होता है यूजुअली। सो आफ्टर दिस प्लीज़ राइट द थिंग्स ओवर देयर क्विकली एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू ड्रिल the difficult words of this unit. Okay, cheese paneer. How many of you like cheeseburger and cheese omelette and cheese pizzas? I also like them. Okay, bricks inte town kasba, delicious mazedar, enjoyed maza kiya, usually aam taur par, सस्पिशियस हैरान रह गया, या मतलब जैसे आप परेशान शशदर रह जाना। बटर मक्खन यूजुअल सेवरल चंद या कुछ, डिपेंडेंट मुनहसर होना या जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, एक्सप्लेन समझाया, कंप्लेन शिकायत, अरेस्टेड गिरफ्तार, सप्लाई मुहैया करना या दस्तयाब होना, और डिलीवर दे देना या आपको पहुँचा देना। ओके, वी आर गोइंग टू डू द वर्ड मीन आफ्टर वर्ड मीनिंग्स। चीज़, ब्रिक्स, टाउन, डिलीशियस, इंजॉयड, यूजुअली, सस्पिशियस, बटर, सेवरल, डिपेंडेंट, एक्सप्लेन, कंप्लेन, अरेस्टेड, सप्लाई एंड डिलीवर। वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज फ्रॉम दीज सेंटेंसेस। चीज़, I love cheese. I can see bricks over there. Red bricks are looking very beautiful. This is a very famous town. Delicious. The cake is very delicious. I enjoyed the cake. Usually we got late from the school.
suspicious. You are looking suspicious. I love to eat butter in breakfast. Several people are absent from the school. We are dependent of you. Please explain this picture. Complain. Never complain anyone. Arrested. Police arrested. Suspicious people. Supply. Government is going to supply sugar to all stores. Deliver. Milkman delivers milk to us.